हेलो दोस्तों आज हम जो दवा पढ़ेंगे उसका नाम है टेरिबिन थीना या तारपीन का तेल इसे कह देते हैं ऑयल ऑफ टेरिबिन थीना मेडिसिन किडनीज़ के इन्फ्लामेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है तो किडनीज की पोजीशन कहाँ पे होगी ये देख लो राइट साइड की किडनी थोड़ी सी नीचे रहेगी इस हिस्से में लेफ्ट साइड की किडनी थोड़ी सी ऊपर रहेगी है ना लीवर को थोड़ा पोजीशन करने के लिए राइट साइड की थोड़ी नीचे रहेगी तो इस हिस्से में अगर आपके पीठ पे दर्द हो रहा है हड्डी के दाई और, और बाई और तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है तो यहाँ पे दर्द हो जाए सूजन हो जाए टेरिबिनथीना इस हिस्से में दर्द हो जाए सूजन हो जाए बहुत अच्छी दवाई तो है दे रखे हैं किडनीज में इंफ्लामेशन है एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाए पेरनकाइमेट पेरनकाइमा Parenchyma, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का उसमें अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाए तो टेरिबिन मेन मेडिसन आ गई बर्निंग पेन इन किडनी है तो टेरिबिंथीना ही अकेली सबसे ज्यादा मेन मेडिसन है तो टेरिबिंथीना में जलन भी थ्रू एंड थ्रू है जलन हो जाए उस हिस्से में जहां पे आपने देखा बर्निंग पेन इन किडनी एक्सटेंडिंग अलोंग यूरिटर टू ब्लडर तो पेन जलन हो जाए किडनी के अंदर और एक्सटेंड करे किडनी के आगे जो पाइप जा रही है यूरिटर से पाइप आ रही है वो सारी एक्सटेंड करे ब्लडर तक आए तब टेरीबिनथीना मेन मेडिसन होगी ड्राइंग पेन इन रीजन ऑफ किडनी तो मेन मेडिसन होगी गई हुई दर्द है किडनी में तब मेन मेडिसन हो गई ड्राइंग पेन इन किडनी टेरीबिनथीना मेन मेडिसिन है जनरल पेन इन यूरिटर्स है लाइकोपोडियम तो मेन है ही जनरल पेन इन यूरिटर्स राइट राइट साइड में है टेरिबिनथिना मेन मेडिसन में से है हो गई किडनी की फ्रॉम गेटिंग वेट भीगने के बाद किडनी में सूजन महसूस हो रही है भीगे थे उसके बाद से दर्द या सूजन लग रही है तब टेरिबिनथिना मेडिसन किडनीज़ में पेन है ड्राइंग पेन है राइट right साइड में पेन है एक्सटेंडिंग टू राइट हिप अब राइट right किडनी में पेन हो रही है जो एक्सटेंड कर रही है राइट साइड हिप पे लाइकोपोडियम दे दोगे तो फेलियर के चांसेस हैं ना फेल कर जाओगे राइट साइड किडनी में पेन है एक्सटेंड कर रही है राइट हिप की तरफ चाहे फिर वो किडनी में स्टोन है चाहे फिर वो किडनी में इंफ्लामेशन है या नेफ्राइटिस है तो टेरीबिनथीना मेन मेडिसन आई जनरल पेन इन राइट साइड ऑफ किडनी टेरिबिन में से है ना तो पेन थ्रू थ्रू एंड किडनी में हो जलन हो पेन हो स्पेशली जो पेन एक्सटेंड करे नीचे की और टेरिबिंथीना मेन मेडिसन किडनी के बाद फिर आगे जो पाइप आ गई उसे कहते हैं यूरीथरा यूरीथरा में से गनोरियल डिस्चार्ज हो ऐसा डिस्चार्ज पस भरा जिसमें गनोरिया के कीटाणु हो वायरस होता है वायरस की प्रॉब्लम है तो गनोरियल डिस्चार्ज हो बदबूदार ऐसे म्यूकस निकले यूरिथरा से तब टेरिबिनथीना मेडिसिन इन्फ्लामेशन हो जाए यूरिथरा की सूजन हो जाए पाइप में किडनी के आगे जो पाइप जा रही है उसमें सूजन हो गई तब यह मेडिसन है बर्निंग पेन इन यूरीथरा एग्रावेट्स ड्यूरिंग यूरिनेशन जलन हो रही है अब यूरीथरा में जलन की भी मैंने जिक्र किया टेरामथीना बहुत अच्छी मेडिसन है यूरीथरा में जलन हो रही है जो कि बढ़ती है यूरिनेशन के दौरान बेंजोइक एसिड में हमने पढ़ा कि यूरीथरा में पेन होती है वेन ही इज नॉट यूरिनेटिंग जब वो यूरिन नहीं कर रहा यहाँ पे पेन होगी बढ़ेगी जब वो यूरिन करेगा तब पेन बढ़ेगी यूरिथरा में उस पाइप में जिसमें से यूरिन बाहर निकलेगा ब्लैडर में पस पड़ गई कटार है बुज़ुर्गों के ब्लैडर से पस निकल रही है आगे हो होगी ब्लैडर में सूजन हो गई फिर जलन होगी ब्लैडर में बर्निंग पेन इन ब्लैडर है तो बर्निंग किडनी में हो यूरिथरा में हो ब्लैडर में हो तो टेरिबेथीना को जरूर कंसीडर कर कटिंग पेन इन ब्लैडर वॉकिंग इन ओपन एयर एमिलियोरेट्स है ना रेस्ट एग्रावेट्स तो कटिंग पेन हो रही है ब्लैडर के अंदर जो कि चलने के दौरान आराम मिल रहा है और रेस्ट करता है तो बढ़ जाती है रेस्ट किया और बढ़ गई चलने लगे तो पेन बढ़ चलने लगे तो पेन कम हो गई तब थिन में मेडिसन आ गई बर्निंग पेन फिर से ब्लैडर में वॉकिंग इन ओपन एयर इमिल्यूरेट्स ओपन एयर में चला तो कम हो गई प्रॉब्लम है ना रेस्ट से बढ़ती है ब्लैडर में पेन है जनरल वॉकिंग ऑन इमिल इन ओपन एयर तो कितना इंपॉर्टेंट है ना रिब्रिक्स कैसे दे रखे हैं रेबोर्टरी में बर्निंग पेन इन ब्लैडर ड्यूरिंग यूरिनेशन ब्लैडर में जलन भरी दर्द हो रही है यूरिनेशन के दौरान बेंसोइ एसिड में तब होती है यूरिथरा में या ब्लैडर में जब यूरिन नहीं करता सोर टेंडर पेन इन ब्लैडर पक्के फोड़े की तरह दुख रहा है कोमल हो गया ब्लैडर पेन टेनसमस इन ब्लैडर दर्द हो रही है ऐसे वट टाइप पड़ रहा है ब्लैडर में है ना मरोड टाइप हो रहा है ब्लैडर में तब ये मेडिसिन है रिटेंशन ऑफ यूरिन पेशाब रुक जाए निकले ना तब टेरिबिन थी ना मेडिसिन ना आगे आ गया रिटेंशन ऑफ यूरिन इन ओल्ड मैन बुजुर्गों का यूरिन रुक जाए निकले ना तब टेरिबिन थी ना अच्छी मेडिसिन है यूरिनेशन ड्रिबलिंग बाय ड्रॉप्स बूंद बूंद करके यूरिन निकल रहा है प्रेशर नहीं बन रहा तब टेरिबिन थी ना अच्छी मेडिसिन है यूरिनेशन डिस डिफिकल्ट यूरिनेशन है पेनफुल यूरिनेशन है तब ये मेडिसिन है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट रात को बार बार उठना पड़ता है यूरिन करने के लिए तब टेरीबिनथीना मेडिसन है यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है एल्ब्यूमिनस यूरिन प्रोटीन बाहर निकल रहे हैं एल्ब्यूमिन बाहर निकल रहा है क्योंकि किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है यूरिन में फिर एल्ब्यूमिन आ रहा है टेरिबिंथीना मेडिसिन यूरिन ब्लडी हो तो जो टेरिबिनथीना मेडिसन है एंटी हेमरेजिक भी है ब्लडी यूरिन हो स्पेशली डार्क ब्लड रहता है इसमें ब्लडी यूरिन हो तो तब भी ये मेडिसन है यूरिन क्लाउडी वेन पास्ट क्लाउडी ऑन स्टैंडिंग कलर ब्लैक कलर डार्क तो ऐसा ब्लैक डार्क स्मोकी कलर हो यूरिन का तब ये मेडिसिन काफ़ी इंडिकेटेड एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है डार्क ब्लड ब्लैक कलर कहीं से भी निकले तो टेरिमिथिन अच्छी मेडिसिन है यूरिन कैंटी यूरिन रिटेंशन ऑफ यूरिन भी आपने पढ़ा बिल्कुल यूरिन नहीं निकल रहा है या बहुत कम निकल रहा है तब ये मेडिसिन है टेरिबिन थीना यूरिन शुगर यूरिन में से शुगर आए डायबिटीज है पेशेंट को यूरिन में से शुगर निकल रही है तब टेरिबिन थीना मेडिसन तो यूरिनरी सिस्टम में थ्रू एंड थ्रू काम करती है किडनीज़ में बहुत अच्छी काम करती है स्पेशली पेन एक्सटेंड करे यूरिथ्रा की प्रॉब्लम है फिर आगे ब्लैडर की प्रॉब्लम है यूरिटर की प्रॉब्लम है फिर आगे ब्लैडर की प्रॉब्लम है फिर आगे यूरिथ्रा की प्रॉब्लम है, है तो बहुत अच्छी मेडिसिन है टेरिबिनथिन माउथ में इसके क्या होगा अल्सर होंगे एफ्थे होंगे अल्सर एक्सटेंडिंग थ्रू इंटेस्टिनल ट्रैक मुंह में छाले हैं थ्रू एंड थ्रू नीचे तक इंटेस्टिनल ट्रैक में भी छाले भरे हुए है ना उसके लिए मेडिसिन जीव बिल्कुल लाल होती है तब ये टेरिबिनथिना मेडिसिन बिल्कुल सूखी हुई जीव रहती है तब टेरिबिनथिना मेडिसिन वॉमिटिंग्स आए उसके लिए भी टेरिबिनथिना मेडिसिन है पेट में अल्सर हो जाए वॉमिटिंग हो जाए एब्डोमन डिस्टेंशन पेट एंड तना हुआ तना हुआ पेट हो तब ये मेडिसिन टेरिबिनथिना तना हुआ पेट है टिम्पेनिटिक एबडोमन डिस्टेंशन टिम्पेनेटिक टिम्पेनेटिक मतलब गैस की वजह से पेट एन तना हुआ है पेरिटोनियल कैविटी में गैस है या इंटेस्टाइन में गैस है सारा पेट तना हुआ है गैस की वजह से एबडोमन ड्रॉपसी एसाइटिस पेट में पानी भरा हुआ है तब ये मेडिसन है और वो पानी हो सकता है किडनी में प्रॉब्लम की वजह से बड़ा हो तो पेट का पानी भी कम करेगी किडनी को भी ठीक करेगी एबडोमन इन्फ्लेमेशन, पेट में सूजन होगी पेरिटोनाइटिस, एंटेराइटिस तो पेरिटोनियम की इन्फ्लामेशन हो गई या स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेशन हो गई तो पेट में सूजन होगी पेट के सारे हिस्से में कहीं सूजन हो गई ही अच्छी मेडिसिन है पेन इन ईलियोसिकल रीजन एलियोसिकल रीजन में पेन हो तब ये अच्छ, अच्छी मेडिसिन है इस एरिया पे अच्छा काम करती है एलियोसिकल रीजन पे एलियोसिकल रीजन कौन सा होगा जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होगी एलियम कह देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा हिस्सा एलियम और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होगी जिसे कहते हैं सिकम तो इलियोसिकल रीजन यहाँ पे रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ खत्म होगी और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होगी तो यह इस हिस्से में दर्द हो पेन इन इलियाक रीजन है ना इलियाक रीजन पेट के इस हिस्से में राइट right साइड या राइट right साइड या लेफ्ट साइड पेन हो इलियाक रीजन में तो ये अच्छी मेडिसिन है इस हिस्से पर अच्छा काम करती है इलियाक रीजन में हाइपोगेस्ट्रियम में पेन इन क्रेस्ट ऑफ इलियम तो इलियम के क्रेस्ट में पेन हो मैंने बताया इस हिस्से में अच्छा काम करती है मेडिसन तो यहाँ पे ये हिप बोन के ये जो ऊपर का उभार है इस क्रेस्ट ऑफ इलियम में अगर पेन हो राइट साइड या लेफ्ट साइड तब टेरिबिन मेडिसन पेन इन क्रेस्ट ऑफ इलियम मोशन के दौरान पेन हो तब ये मेडिसन है है मोशन पे पेन हो रही है ना वैसे पेन नहीं है मोशन पे पेन हो रही है जबकि आपने देखा ब्लैडर में पेन हो या यूरिनरी सिस्टम में वहाँ पेन हो तो मोशन से से आराम मिलता है रेस्ट से प्रॉब्लम बढ़ जाती है लेकिन इस हिस्से में अगर दर्द हो मोशन के दौरान होती है बर्निंग इन एब्डोमेन पेट में जलन हो रही है तब यह दवाई है सोर ब्रूज्ड टेंडरनेस इन एब्डोमेन पक्के फोड़े की तरह कोमल हुआ पड़ा एब्डोमेन तब ये दवाई है सोर ब्रूसड टेंडरनेस इन हाइपोगेस्ट्रियम इस हिस्से में अगर पेन हो रही है पक्के फोड़े की तरह दुख रहा है तब टेरिबिनना मेडिसन स्टिचिंग स्टिकिंग पेन इन एबडोमन एक्सटेंडिंग लेफ्ट टू राइट तो स्टिचिंग पेन हो रही है पेट के अंदर जैसे कुछ सिल रहा हो स्टिचिंग या स्टिकिंग पेन जैसे कुछ चुभ रहा हो लेफ्ट से राइट right साइड की ओर एक्सटेंड करे पेट के लेफ्ट साइड के हिस्से से राइट right साइड की ओर जाए तब यह मेडिसिन है पेट में अल्सर्स हो जाए है ना देखा तो हमने मुँह में छाले हैं इंटेस्टिनल ट्रैक्ट तक आते हैं तो पेट में जख्म हो गए हैं अल्सर्स हो गए तब ये मेडिसिन है पेट में जख्म की वजह से भी हो सकता है रेक्टम में है ब्लड आ रहा है डार्क ब्लड आ डार रहा है ना बात की थी ब्लड स्टूल्स हो यूरिन में भी ब्लड आए डार्क ब्लड आए तो थी ना मेन मेडिसन में से है रेक्टम से या गुदा द्वार से भी ब्लड आए जो डार्क हो तब टेरिबिथीना मेन मेडिसिन बर्निंग पेन इन एबडमन है ना एमिलियोरेट्स बाय कोल्ड एप्लीकेशन जलन हो रही है गुदा द्वार पे ठंडी चीज लगानी पड़ती है वहाँ पे तब कुछ आराम लगता है तब टेरिबिनथिना मेन मेडिसन आ गई बवासीर की दवाई है टेरिबिनथिना मेडिसन और बवासीर में कहीं ब्लड भी आ रहा है डार्क ब्लड है तब टेरिबिनथिना मेडिसन प्रिकलिंग इन रेक्टम गुदा द्वार में चुभन जैसी महसूस हो रही है उसके लिए भी थी ना मेडिसन वो चुभन हो सकता है वाम्स की वजह से हो या ना भी हो तब भी ये मेडिसन हो सकती है लेकिन वाम्स के लिए भी ये मेडिसन अच्छी है एस्केराइडिस वाम हो या ऑगज्यूरिस वर्मिकुलरिस हो या पिन वोस होम तो कीड़ों के लिए भी टेरिबिनथीना या तारपिन का तेल ये बहुत अच्छी दवाई है ब्लडी स्टूल्स हैं तब ये मेडिसिन स्टूल ब्लडी हो तब ये मेडिसिन है ड्यूरिंग टाइफाइड हो गया टाइफाइड फीवर में भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और टाइफाइड फ़ीवर में या सेप्टिक या आ, कहीं पे इंफेक्शन हो गई ऐसे में ब्लडी स्टूल्स आए तब ये बहुत अच्छी मेडिसिन है नाक से खून बहे तो एंटी हेमरेजिक मेडिसन है नाक से खून बहे तब यह दवाई है एपडमन के लिए भी पेट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसन है यूरिनरी सिस्टम के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसन है फिर आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज में एपिस्टेक्सिस खून आए नाक में तब बहुत अच्छी मेडिसिन है अब ये रेस्पिरेशन डिफिकल्ट तीन रिब्रिक्स दे रखे हैं रेस्पिरेशन डिफिकल्ट में ये मेडिसन है जैसे प्रॉब्लम चाहे कोई भी है प्रॉब्लम का नाम चाहे कोई भी है कोरोना ही क्यों नहीं है रेस्पिरेशन डिफ़िकल्ट है श्वास नहीं आ रहा इम्पॉसिबल वाई लाइंग लेकिन मेन टेरिबिन थीना में, में क्या रूब्रिक आएगा कि बिल्कुल लेटा नहीं जा रहा लेटते सार ही श्वास लेने में दिक्कत बढ़ जाती है इम्पॉसिबल है लेटना रेस्पिरेशन डिफिकल्ट सिटिंग अपराइट इमिल्यूरेट्स और इम्पॉसिबल है लेटना श्वास बिल्कुल लिया नहीं जा रहा लेकिन उठ के अगर बैठ जाए बिल्कुल सीधा बैठ जाए तो श्वास लेने में आसानी हो जाती है उठ के बैठना पड़ता है लेट नहीं पाता उठ के बैठना पड़ता है चेस्ट में कंजेशन हो जाए हाईपरीमी ऑफ चेस्ट चाहे खून बढ़ गया छाती के अंदर या कंजेशन हो गई छाती के अंदर तब टेरिबिनथीना मेडिस तो चेस्ट में हेमरेज हो गई तो खून निकला किसी भी कारण से मुंह में खून आया तब थी ना क्योंकि एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है और डीप एक्टिंग मेडिसिन अंदर तक जाके ठीक करती है अल्सर्स को हेपेटाइजेशन तक हो जाए चेस्ट हेपेटाइजेशन ऑफ ले लंग्स हेपेटाइजेशन का अर्थ हुआ कोई भी सॉफ्ट चीज जो हार्ड हो जाए जैसे कि न्यूमोनिया में हो जाता है हार्ड हो गए लंग्स के सेल्स तब टेरिबिंथीना मेडिसन इन्फ्लामेशन हो गई लंग्स में तब मेडिसन है ना तो एंटी हेमरेजिक मेडिसन है कहीं से भी ब्लड निकले यूरिनरी सिस्टम से आए डाइजेस्टिव सिस्टम से आए रेस्पिरेटरी सिस्टम से आए है ना तब यह मेडिसिन और साथ में जलन हो तब यह मेडिसन थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच उम्मीद करता हूँ कि आपको टेरिबिन मेडिसिन अच्छे से समझ में आई होगी थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच